25 न्यूज की आज की इस वीडियो में आप जानेंगे खेवड़ा कोहिस्तान नमक का तारीखी पस मंजर। खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल अज़ मसीह में उस वक्त हुई जब दरियाए झेलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आजम के फौजियों के घोड़े इस इलाके में चढ़ने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। इस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन जखीरा है। कोहिस्तानी नमक का सिलसिला दरियाए झेलम के करीब बैगनोवाला से शुरू होकर दरियाए सिंध कालाबाग में खत्म हो जाता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 तक 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 फुट तक 4990 फुट है। खेवड़ा को अर्जियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है चूँकि यहाँ करोड़ों साल पुराने प्री कैम्ब्रियन अहद से मौजूद दौर तक के हिजरी असरात मौजूद हैं। 1849 में अंग्रेज इंतजामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। इस वक्त खेवड़ा की कानों में 17 मंजिल से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है। खेवड़ा कान नमक दुनिया का खुरदरी नमक का दूसरा बड़ा जखीरा है। यहाँ 2,20,00,000 टन के जखायर मौजूद है। 25 न्यूज लाहौर।